हाँ चलो चलो, ये रास्ता ही तुम लोग ऐसा ऐसा पकड़े हो ना कि किसी के यहाँ जाने में हालत ख़राब हो जाएगा। सरिता, सरिता के यहाँ, सनम के यहाँ जाने का रास्ता तो यही है ना। संभाल के, सर पर छूना मत। अब इन्हीं जगहों से बच्चों को आना होता है। कैसे आएंगे बच्चे, जाएंगे? ठीक है, मगर जीवन यही है, इन्हीं इन्हीं रास्तों पे बच्चे संभल कर चलना सीखेंगे। और जब एक बार संभल के चलना सीख जाएंगे ना, तो जब हाईवे मिलेगी तो सीधे फोर्थ गियर लगेगा, 4-5 में जाएंगे ये लोग। फ़िलहाल मोहल्ला क्लास के अंतर्गत देखा जा रहा है कि इस समय जो है प्रेरणा साथी जो हैं वो लोग सब खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो जब समय मिलता है वो लोग अपना पढ़ाते हैं। फ़िलहाल हम टीचरों का काम है कि हम लोग घर घर जाएं, कि हम लोग घर घर जाएं और ये देखें कि सुनिश्चित करें कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को देखना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आखिर विद्यालयों में बैठकर अब लेखी कार्य तो हो ही रहे हैं, और सब बैठे रहेंगे तो फिर बच्चों तक कौन जाएगा। आप देख लीजिए, अब कैसे किसी को कहें कि प्राइमरी का टीचर क्या करता है। बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है कि भाई बहुत दिखावा करते हैं, मगर अगर आप अच्छी चीज़ें देखते हो तो उसके पीछे का संघर्ष भी देखिए ना, आसान नहीं होता जितना सब समझते हैं। ये रास्ता, ये सफ़र, ये देख लीजिए किन किन रास्तों से होकर सब बच्चे आते जाते हैं। मेरे यहाँ नामांकन संख्या मुझे लगता है कम ही रहेगा, उसके पीछे कारण यहाँ का जो आबादी है, जिस हिसाब से यहाँ आबादी है बहुत ही फैलाव में है, घनी आबादी है नहीं। और हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं बच्चों के घर। बताइए, देख लीजिए इतने दूरी पर एक मकान मिला है, एक घर मिला। अब सोचिए इस तरीके से लोगों का जो गांव है वो 10 घर 5 घर ऐसे बने हैं। तो एक चीज़ें हैं और आशा है कि इसके बारे में हो जाए। प्रणाम बाबा, देखिए ये मात्र फिर खेत ही खेत है, फिर एक घर वहाँ देखिए, आप देख रहे हैं एक खेत उस घर में, मतलब पा ही बना के सभी लोगों ने रखा है। तो किसी के घर तक जाने के लिए सही से सड़क जो है मुख्य सड़क से बाद में खेतों से होकर गुजरना पड़ता है। चीज़ें हैं, अरे ऐसे सीधे चलो। देखिए वो मेन सड़क है और ये विद्यालय की तरफ से आने का सड़क था, ये देख सकते हैं। चीज़ें हैं मगर काम करना है तो इस हर चीज़ संभव है और इसी में आनंद भी है। हम लोग जिस घर पहुंच रहे हैं अभी, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि सर जी आएंगे अभी। ठीक है, देखते हैं। जय बजरंगबली। कहाँ से गए जी? हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, डरा लो हमको। हाँ ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अम्मा नमस्ते, कैसी हैं? आराम बा घुटना में? अरे तो थोड़ा मालिश वालिश किया करा। मालिश तो करी थे, दवाई खा ली थे। अच्छा, बैठे बैठे ना ऐसे मसाज किया करा। हाँ। बहुत देर तक ऐसे रोके जिन रहा करा। हाँ। नहीं तो तकलीफ बढ़ जाए, ठंडक बढ़ा था ना, धीरे धीरे जब ठंडक आए तो और बढ़ जाए। और भैया ठीक ठाक बा? कहाँ है बच्चे? अले क्या जी, रमण है। चल
क्या बेटी ये बताओ, पहले रुको 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 पहले, किराना है, क्यों 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 खा रही है उसको? आ देखा हाँ कैसे काटू है, देखो ना बताओ, वो ऐसे सीधे काटे उसमें कीड़ा है, मत मत बेटा फेंक दे, अब अमरूद खाए लायक ना रहेगी बाटे, सब कीड़ा आएगी बाटे उनमें। हाँ ऐसे देखा खातू ना, अब खाओ जी, देखो तुम्हें दिखा दो मैं कीड़ा चिची, देखे रहो अब अमरूद मत खाओ, कौन है खुश रहो बेटा। ए सिया रिमझिम थी ना वो, चलो आ जाओ जरा देखिए तुम लोग क्या पढ़ाई किए हो कितना। ये किसका घर है भैया? ये अमन का है। अमन का है, तुम लोग इतना इतना जगह ही नहीं छोड़े हो कोई किसी के घर तक जाने का, गाड़ी कैसे आएगी बताओ? गाड़ी रोड पे आती है सर, का हो गया कैशन हंस रहे हो? नमस्ते, हाँ 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 क्या लगाया है? हाँ भैया नमस्ते नमस्ते, हाँ भैया ठीक, हम बात करती थी बाद में, अभी घर पहुँचा एक जगह। आओ बाबा ठीक बा, ए निधि विधि कहाँ हो? छत पे है बेटू, थैंक यू। अरे देखो 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 ये पाती गिरा रही ऊपर से, ओए ओए ओए, अच्छा अच्छा बारिश कर रही हो क्या पत्ती से? हाँ ये देखो ये बच्ची है ये देखो, हाँ भैया यही है लड़की, ये बहुत खुरा पाती है, ये लगातार ऐसे परेशान करती है सबको। अब देखिए ये ऐसा पत्ती गिरा दी है यहाँ। मैं अभी स्कूल से ना थोड़ा बच्चों के बीच में आया हूँ, थोड़ा सा देखूँ यहाँ ये लोग क्या पढ़ लिख रहे हैं। विधि निधि आ जाओ नीचे जल्दी आओ, सनम आओ, चलो पहले तो एक काम करो, एक लाइन से पहले बैठो सब लोग आराम से, चलो बैठ जाओ, नहीं खटिया तो छोड़ दे बैठ जा, भैया बैठे थे सब जने, खुश रहो खुश रहो बेटा। ए बेटा बानर राम कहाँ चढ़ते हो ऊपर, चल भाई हाँ हाँ दीदी बैठो बैठो वहाँ पर, तो मैं उसे देखता हूँ अभी, और हाँ चड्डी लेकर कहाँ जा रहे हो जी, केकर हो चलो चलो बैठो जरा सब लोग बैठ जाओ, सनम बैठो बेटा पहले बैठ जाओ बैठो। कितने लोग नानी के यहाँ से होकर आए हैं? का खियाई नानी तो है, हैं कुल खिया देनी, हाँ चलो। और रिमझिम आओ जरा सामने, तुम पहले तुमसे शुरू करें, रिमझिम तुमने बताया कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या पढ़ाई कर रही हो? सर बुक भर रही थी। बताओ जरा कौन सा बुक भरी हो तुम? मैथ का। मैथ का कौन सा पार्ट? मैं जो मुझे आता था जैसे पढ़ना पलट पलट के लिख लिया। वर्कशीट वाला? तो पूरी अभ्यास पुस्तिका भर गई है? अभी नहीं। कितना बाकी है अभी? अभी होगा आधा आधा ज़्यादा। अभी आधा ज़्यादा रह गया बेटा। अच्छा नानी क्या तुम भी जाकर आई ना? बुआ के यहाँ गई थी, तो कॉपी लेकर नहीं गई? एक काम करो अपनी जरा कॉपी वो अभ्यास पुस्तिका ले आओ। अनुज अब उतर जा भैया, जल्दी उतरो। अच्छा और किसने, तुम बताओ सनम क्या की थी, क्या की अभी तक तुमने? मैं सर मेरे पास बुक नहीं है। कौन से क्लास में पहुंची हो? फोर्थ। तो तुम बुक क्यों नहीं लेने आई, कहाँ थी तुम जब बुक मिल रहा था? तो घर गई थी ना, तो आके बुक ले सकती थी ना? अगर आपको बुक नहीं मिल पाया है, आप नहीं आ पाए, तो आप अभी भी आके बुक्स ले सकते हो। दिखाओ कहाँ तक लिखी हो, सर इसको। अरे वाह शाबाश।